भगवान कृष्ण की यह जीवनी हमेशा मेरे रोंगटे खड़े कर देती है, क्योंकि यह कहानी हमें बता रही है कि भगवान कृष्ण को अपने सच्चे भक्तों से कितना प्यार है, चाहे उनका धर्म और जाति कुछ भी हो। इस लेख में हमने भगवान श्री कृष्ण के संपूर्ण जीवन के बारे में लिखा है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इस लेख को पढ़ते हैं। चाहे तो आप ये भी पढ़ सकते हैं कि भगवान कृष्ण कौन है। द्वापर युग में मथुरा का राजा उग्रसेन थे। उनके पुत्र का नाम कंस था और उनके पुत्री का नाम देवकी थी। कंस का बहन देवकी का विवाह वसुदेव के साथ हुआ था। एक दिन कंस ने आकाशवाणी सुना कि देवकी के आठवें पुत्र द्वारा वह मारा जाएगा। इससे बचने के लिए कंस ने देवकी और वसुदेव को मथुरा के कारागार में डाल दिया और साथ ही अपने पिता को भी कारागार में डालकर स्वयं मथुरा का राजा बन गया। कृष्ण का जन्म भाद्रपद मास में कृष्ण पक्ष में अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र के दिन रात्रि के 12 बजे हुआ था। कृष्ण का जन्मदिन जन्माष्टमी के नाम से भारत, नेपाल, रूस सहित विश्व भर के सभी देशों में मनाया जाता है। कृष्ण भगवान का जन्म मथुरा में कंस के कारागार में हुआ था। कृष्ण के पिता का नाम वासुदेव और माता का नाम माता देवकी थी। कृष्ण उनके आठवीं संतान थे। जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ तब कारागृह के द्वार स्वतः ही खुल गए और सभी सिपाही निंद्रा में थे। वासुदेव के हाथों में लगी बेड़िया भी खुल गई। तब वासुदेव अपने पुत्र को लेकर कारागृह से निकल पड़े। गोकुल के निवासी नंद की पत्नी यशोदा को भी संतान का जन्म होने वाला था। वासुदेव अपने पुत्र को यशोदा के पास रखकर उनकी संतान को लेकर मथुरा चले आए। कंस अपनी बहन देवकी के सभी बच्चों को मारने की व्यवस्था करता है। जब कंस इस नवजात शिशु को मारने का प्रयास कर रहा था तब शिशु बालिका हिंदू देवी दुर्गा के रूप में प्रकट होती है तथा उसे चेतावनी देते हुए कि उनकी मृत्यु उसके राज्य में आ गई है। कृष्ण की बचपन की कहानी। कृष्ण भगवान के एक बहन और एक भाई थे। कृष्ण भगवान भाई का नाम बलराम और बहन का नाम सुभद्रा थी। अपने जन्म के कुछ समय बाद ही कंस द्वारा भेजी गई राक्षसी पूतना का वध किया। उसके बाद शकटासुर, तृणावर्त आदि राक्षस का वध किया। बाद में गोकुल छोड़कर नंद गांव आ गए। वहां पर भी उन्होंने कई लीलाएं की, जिसमें गोचरण लीला, गोवर्धन लीला, रास लीला आदि मुख्य है। भगवान कृष्ण ने स्नान करती गोपियों के कपड़े चुराकर उन्हें एक सिख दिया था। भगवान कृष्ण ज्यादातर समय अपने प्रिय सखी राधा के साथ बिताना पसंद करता था। उनके साथ खेला, कूदा, रास रचाए। इतना ही नहीं, कृष्ण ने सबसे ज्यादा बंसी राधा के कहने पर बजाए। राधा कृष्ण का प्रेम ऐसा था जिसकी आज भी मिसाल दी जाती है। लेकिन कृष्ण ने राधा से शादी नहीं की। एक दूसरे से बहुत प्यार करने के बाद भी दोनों के मिलान नहीं हो पाया। राधा व कृष्ण के वियोग के समय राधा की आयु 12 वर्ष एवं कृष्ण की आयु 8 वर्ष थी। राधा कृष्ण का प्रेम में कोई शारीरिक आकर्षण नहीं बल्कि आध्यात्मिक था। राधा और कृष्ण जब आखिरी बार मिले थे तो राधा ने कृष्ण से कहा था कि भले ही वो उनसे दूर जा रहे हैं, लेकिन मन से कृष्ण हमेशा उनके साथ ही रहेंगे। श्री कृष्ण ने किया मामा कंस का वाद। कृष्ण ने वृंदावन में सभी से विदा लिया और अक्रूर जी श्री कृष्ण व बलराम को मथुरा लेकर आए, जहां कंस ने कृष्ण के प्राणांत की योजना बना रखी थी। श्री कृष्ण ने इसी समय मामा कंस का वध किया और मथुरा वासियों को उसके आतंक से मुक्त करा दिया। श्री कृष्ण ने अपने नाना उग्रसेन को मथुरा का राजा बनाया और अपने माता पिता से मिले। श्री कृष्ण ने द्वारका स्थापित की। एक समय आया जब भगवान कृष्ण मथुरा छोड़कर द्वारका में एक नया नगर बसाया। श्री कृष्ण की इस नगरी का नाम द्वारका था। अनेक द्वारों का शहर होने के कारण इस नगर का नाम द्वारका पड़ा। श्री कृष्ण का विवाह। श्री कृष्ण की पहली पत्नी देवी रुक्मिणी थी। रुक्मिणी अपनी बुद्धिमता, सौंदर्य और न्यायप्रिय व्यवहार के लिए प्रसिद्ध थी। रुक्मिणी जी का पूरा बचपन श्री कृष्ण की साहस और वीरता की कहानियां सुनते हुए बीता था। देवी रुक्मिणी को कृष्ण से प्रेम हो गया था। देवी रुक्मिणी विदर्भ के राजा भीष्म की पुत्री थी।
रुक्मिणी जी का भाई का नाम रुक्मी था और वो अपनी बहन का विवाह शिशुपाल से करना चाहता था। रुक्मिणी ने प्रेम पत्र लिखकर ब्राह्मण कन्या सुनंदा के हाथ श्री कृष्ण के पास भेज दिया। जब उन्हें रुक्मिणी का प्रेम पत्र मिला तो प्रेम पत्र पढ़कर कृष्ण को समझ आया कि रुक्मिणी जी संकट में है। तब कृष्ण ने रुक्मिणी जी का अपहरण करके विवाह किया था। पूरी सच्चाई लिंक पर क्लिक करके पढ़े भगवान कृष्ण के शादी के बाद कितने बेटे हुए। श्री कृष्ण का विवाह। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा, जामवंती, कलिंदी, मित्रवृंदा, नाग्नजिति, भद्रा और लक्ष्मणा से शादी किया था। ऐसा कहा जाता है श्री कृष्ण की रानियों की संख्या 16,000 से अधिक थी। कृष्ण सुदामा की मित्रता। भगवान कृष्ण के मित्र और सहपाठी सुदामा गरीब ब्राह्मण परिवार से थे। अपने बच्चों का पेट भरना भी उनके लिए मुश्किल हो गया था। एक दिन सुदामा की पत्नी ने कहा कि हम भले ही भूखे रहें, लेकिन बच्चों का पेट तो भरना चाहिए। इतना बोलते बोलते उसकी आंखों में आंसू आ गए। ऐसा देखकर सुदामा बहुत दुखी हुए और पत्नी से इसका उपाय पूछा। पत्नी ने सुदामा से कहा, आप कई बार कहते हो कृष्ण के साथ आपकी बहुत मित्रता है, वे तो द्वारका के राजा हैं, आप उनसे मिलने के लिए जाना चाहिए, तो आपकी हालत देखकर बिना मांगे ही कुछ न कुछ मदद कर देंगे। बड़ी मुश्किल से सुदामा कृष्ण के साथ मिलने के लिए तैयार हुआ। तब सुदामा उनके पत्नी को बोले कि दोस्त के साथ मिलने जा रहा हूँ, खाली हाथ नहीं जा सकता। तो सुदामा के पत्नी ने आस पड़ोस से 4 मुट्ठी चावल मांग कर लाई और सुदामा को बांध के दे दिया। सुदामा जब द्वारका पहुंचे तो वहां सोने की नगरी देखकर हैरान रह गए। भगवान कृष्ण नंगे पांव सुदामा को लेने के लिए दौड़ पड़े। कृष्ण ने सुदामा से पूछा कि भाभी ने उनके लिए क्या भेजा है। तब सुदामा संकोच में पड़ गए और चावल की पोटली छुपाने लगे। ऐसा देखकर कृष्ण ने उनसे चावल की पोटली छीन ली। फिर भगवान कृष्ण सूखे चावल ही खाने लगे। सुदामा संकोचवश कुछ मांग नहीं सके। सुदामा जब अपने घर लौटने लगे तो सोचने लगे कि पत्नी पूछेगी कि क्या लाए हो, तो वह क्या जवाब देंगे। सुदामा घर पहुंचे तो देखा वहां झोपड़ी की जगह पर एक राजमहल खड़ा था। तभी राजमहल से उनकी पत्नी बाहर आई। सुदामा से कहा, देखा आपकी मित्र ने हमारी गरीबी दूर कर हमारे सारे दुख हर लिए। श्री कृष्ण ने किया शिशुपाल का वध। श्री कृष्ण अपने पिता वासुदेव जी की बहन अर्थात अपनी बुआ के घर गए। तब श्री कृष्ण की बुआ ने उनसे वचन लिया कि वे शिशुपाल का वध नहीं करेंगे। अपनी बुआ को भी दुखी नहीं करना चाहते थे, अतः उन्होंने वचन दिया कि वे शिशुपाल की 100 गलतियां क्षमा कर देंगे, परंतु 101 भी भूल पर वे उसे अवश्य दंडित करेंगे। महाभारत काल में राजकुमार युधिष्ठिर की युवा राज्याभिषेक के समय शिशुपाल श्री कृष्ण को अपशब्द कहे जा रहा था, लेकिन अपनी बुआ को दिए वचन के लिए कृष्ण चुप थे। लेकिन शिशुपाल अपमान किए जा रहा था। अपमान करते करते उसे ज्ञात नहीं रहा कि कितने पाप किया और 100 अपशब्द पूरा होने के बाद जब 101 अपशब्द कहा, तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र का आह्वान किया और इससे शिशुपाल का वध कर दिया। महाभारत युद्ध। महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण पांडवों के पक्ष में थे। इस महान युद्ध पर श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने थे। इस युद्ध में पांडव और कौरवों का आमना सामना हुआ था। महाभारत युद्ध 18 दिन तक चला था और अंत में जीत पांडवों की हुई थी। ऐसा कहा जाता है कि महाभारत 3 कृष्ण थे, जानिए पूरा सच। श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप दिया। महाभारत युद्ध के अंत होने के बाद दुर्योधन के कहने पर अश्वत्थामा ने नींद में सोते पांडव पुत्रों को धोखे से मार दिया, तो पांडव और भगवान कृष्ण अश्वत्थामा का पीछा करते हुए महर्षि वेदव्यास के आश्रम में पहुंचे। तब अश्वत्थामा ने पांडवों में ब्रह्मास्त्र से आक्रमण किया। ये देखकर अर्जुन ने भी अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। महर्षि व्यास ने दोनों ब्रह्मास्त्र को टकराने से रोकने के लिए अश्वत्थामा और अर्जुन को अपने अपने ब्रह्मास्त्र वापस लेने को कहा, क्योंकि दोनों ब्रह्मास्त्र अगर टकरा जाते तो पृथ्वी का विनाश निश्चित था।
तो अर्जुन ने अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लिया, लेकिन अश्वत्थामा ने अपने ब्रह्मास्त्र की दिशा अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भाशय की ओर बदल दी। ये देखकर भगवान कृष्ण क्रोधित हो गए, अपनी सुदर्शन चक्र से अश्वत्थामा के माथे पर लगी मणि को निकाल दिया, जिससे उसके माथे पर एक घाव हो गया और कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप दिया कि तुम 3000 साल तक इस धरती पर भटकते रहोगे, तुम्हारे शरीर से बदबूदार घाव की गंध निकलेगी, इसलिए तुम मनुष्यों के बीच नहीं रह पाओगे, कोई तुम्हें पानी के लिए पूछेगा भी नहीं। गांधारी ने दिया था यदुवंश के नाश का श्राप। 18 दिन चले महाभारत के युद्ध के अंत में पांडवों की जीत हुई और कौरवों के समस्त कुल का नाश हुआ। जब हस्तिनापुर में युधिष्ठर का राजतिलक हो रहा था, माता गांधारी ने महाभारत युद्ध के लिए श्री कृष्ण को दोषी ठहराते हुए श्राप दिया कि जिस प्रकार कौरवों के वंश का नाश हुआ है, ठीक उसी प्रकार यदुवंश का भी नाश होगा। बलराम जी के देह त्यागने के बाद एक दिन श्री कृष्ण पीपल के नीचे ध्यान की मुद्रा में बैठे हुए थे, तब एक शिकारी उधर से जा रहा था और उसे लगा कि कोई हिरन है और बिना कोई विचार किए वहीं से एक तीर छोड़ दिया, जो कि श्री कृष्ण के तलवे में जाकर लगा। शिकारी पास जाकर देखा तो वहां पर श्री कृष्ण थे। इसके बाद उसे बहुत पश्चाताप हुआ और वह क्षमा याचना करने लगा। तब श्री कृष्ण ने उसे कहा कि जो मैं चाहता था तुमने वह किया है और इसके लिए तुम्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति होगी। इसके बाद उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए और भगवान कृष्ण की मृत्यु हो गई। फिर कृष्ण की मृत्यु के बाद अर्जुन ने भगवान कृष्ण का अंतिम संस्कार किया। लेकिन क्या आपको पता है अपना शरीर छोड़ने समय भगवान कृष्ण कितने वर्ष के थे? तो आपको बताना चाहूंगा, देह त्यागने के समय भगवान श्री कृष्ण 125 वर्ष के थे। भगवान कृष्ण के विदा होते ही द्वारका नगरी समुद्र में डूब गई और यादव कुल नष्ट हो गया। प्रेम की दृढ़ता का प्रकट किया है। हरील एक ऐसा पक्षी है जो अपने पंजों में हमेशा कोई ना कोई लकड़ी या तिनका रखता है, वह उसे किसी भी हाल में नहीं छोड़ते। कृष्ण को हरिल की लकड़ी कहने वाली गोपियों का अर्थ यह है कि कृष्ण का प्रेम उनके दिलों में इतनी दृढ़तापूर्वक से बसा हुआ है कि वह किसी भी तरह से निकल नहीं सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि गोपियां कृष्ण को ही समर्पित हैं। तीसरे पद के अनुसार हरिल किसे कहा गया है? सूरदास के तीसरे पद के अनुसार हरिल श्री कृष्ण को कहा गया है। एक दिन नदी में नहाती गोपियों की वस्त्र चुरा लिए थे दोस्तों, लेकिन वस्त्र चुराना श्री कृष्ण की एक ऐसी लीला है जिसको लेकर आज तक कई सवाल खड़े करते हैं। श्री कृष्ण को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश करते हैं। उनकी लीला को गलत और अनुचित बताने का हमेशा से प्रयास किया जाता है। भगवान कृष्ण ने स्नान करती गोपियों के कपड़े क्यों चुराए थे? क्या है ये लीला और क्या है इस लीला के पीछे का असली रहस्य, आज हम इस लेख के माध्यम से बताने वाले हैं। नदी में नहाती हुई गोपियों के वस्त्र चुरा लेना ये बाल कृष्ण की एक नटखट का नहीं बल्कि उनकी एक लीला थी, जिसके माध्यम से उन्होंने बालपन में गोपियों को एक अच्छी सीख सिखाने चाहा। ना सब उपयोग को बल्कि आज के समाज की स्त्रियों को भी इसका वर्णन हमें शास्त्रों में मिल जाता है। दोस्तों, पद्म पुराण में वर्णित कथा के अनुसार एक दिन की बात है, जब गोपियां जल में स्नान करने के लिए तालाब में उतरती हैं। भगवान कृष्ण पेड़ पर बैठकर ये दृश्य आराम से देख रहे होते हैं। जब गोपियां नहाने के लिए व्यस्त हो जाती हैं, तो श्री कृष्ण ने गोपियों के वस्त्र चुराकर छुपा दिए। जब गोपियां नहाकर तालाब से निकलने वाली थी तो उन्होंने देखा कि उनके वहां नहीं थे और वह सब चिंतित होने लगी। उसी समय गोपियों की नजर छुपकर पेड़ पर बैठे श्री कृष्ण पर पड़ी। गोपियों ने कहा कि गोपियों को नहाते हुए देखने में जरा भी लज्जा नहीं आती तुम्हें। गोपियां कृष्ण से जब ये बात कहती है तो प्रश्न भी पलट कर कहते हैं कि मुझे लज्जा क्यों आएगी? लज्जा तो तुम्हें आनी चाहिए जो निर्वस्त्र होकर नहा रही हो। गोपियां श्री कृष्ण से कहने लगी, हमसे गलती हो गई है, अब ये बताओ तुमने हम सबके वस्त्र कहाँ रखे हैं? पहले तो कृष्ण गोपियों को मना कर देते हैं,
किंतु उनके बार बार अनुरोध करने पर, हाथ जोड़ने पर कृष्ण बता देते कि उनके वस्त्र इसी वृक्ष पर है, पानी से निकल कर आओ और इन्हें ले जाओ। तब गोपियां जल से बाहर नहीं आती और कृष्ण से कहती है कि हम जल से बाहर नहीं आ सकती, हम निर्वस्त्र हैं। हम सभी तो बिना कपड़ों के जल से बाहर क्या जल से ऊपर भी नहीं कर सकती। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तुम नदी में स्नान करने गई तभी निर्वस्त्र थी, अभी बाहर आने में शर्म क्यों आ रही है। तब गोपियां कहने लगी, जब नदी में स्नान करने आए तब उस समय कोई नहीं था। ये सुनकर कृष्ण कहते हैं कि तुमने ये कैसे सोच लिया कि यहाँ पर कोई नहीं था, क्योंकि मैं तो हर पल हर जगह मौजूद होता हूँ। और हाँ, उस समय मेरे अलावा आसमान में उड़ते पक्षियों और अन्य पशु ने भी तुम्हें निर्वस्त्र देखा है। जल के प्राणियों ने भी तुम सबको निर्वस्त्र देखा और जल के अधिष्ठाता देव स्वयं वरुण देव है जो एक पुरुष है, उन्होंने भी तुम सबको निर्वस्त्र देखा। साथ ही तुम्हारे पूर्वजों ने भी तुम्हें इस अवस्था में देखा है, क्योंकि पुराणों के अनुसार नहाते समय हम सभी के पूर्वज हमारे आसपास होते हैं और वस्त्र से गिरने वाले जल को ग्रहण करते हैं, जिनसे उनको तृप्ति मिलती है। निर्वस्त्र स्नान करने से पूर्वज नाराज हो जाते हैं और व्यक्ति को सुख प्राप्त नहीं हो पाता, उसके सुख नष्ट हो जाते हैं, इसलिए कभी भी निर्वस्त्र स्नान नहीं करना चाहिए। कृष्ण गोपियों को यह अद्भुत सीख देने के बाद उनके वस्त्र लौटा देते हैं और कहते हैं कि जब तक मनुष्य शरीर स्वरूप इस माया के बंधन में बना हुआ रहता है, तब तक वह मोक्ष को प्राप्त नहीं हो सकता। माया बंद रहने से मनुष्य को वैकुंठ में प्रवेश करना भी असंभव हो जाता है। यही समझाने के लिए मैंने तुम्हारे वस्त्र चुराए थे। फिर कृष्ण आगे बताते हैं, गोपियों इस बात में कोई शक नहीं कि तुम संपूर्ण रूप से मुझे समर्पित हो, फिर भी तुम्हारी वस्त्र माया का प्रतीक है जो तुम्हारे और परमात्मा के बीच में ऐसी बाधा पैदा कर रही है कि तुम सभी यह जानते हुए भी कि ईश्वर के आगे सब निर्वस्त्र है, फिर भी जल से बाहर नहीं आ पा रही हो, जबकि ईश्वर के करीब जाने के लिए माया तो क्या श्री पुरुष होने के बंधनों से मुक्त होना पड़ता है। दोस्तों, एक और कारण है जिसके कारण श्री कृष्ण वस्त्र हरण लीला की थी, पर यह इतना रहस्य है कि इसे केवल वही समझ सकते हैं जिनके दिल में माया नहीं है, सिर्फ श्री कृष्ण के लिए प्रेम रहता है। दोस्तों, गोपियां कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए बचपन से कात्यायनी व्रत करती थी, जिससे कात्यायनी माता प्रसन्न होकर उन्हें वरदान देती है कि श्री कृष्ण उनके पति होंगे। हमें जानते हैं कि निर्वस्त्र केवल अपने पति के सामने जा सकती है, यानी श्री कृष्ण लीला गोपियों को ये संदेश दे दिया कि वही उनके पति है और गोपियों के कात्यायनी व्रत का फल उन्हें मिल चुका है। उनका व्रत सफल रहा, अब गोपियों की आत्मा पर केवल और केवल कृष्ण का अधिकार है। अंत में पाठकों, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि श्री कृष्ण का ये हास परिहास गोपियों के प्रति उनके अगाध प्रेम भाव को प्रकट करता है। तो दर्शकों, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। साथ ही अगर आप हमारे वेबसाइट पर नए हैं तो वेबसाइट को बुकमार्क कर लें, ताकि अधिक से अधिक आध्यात्मिक और पौराणिक कथाओं के बारे में जान सकें। आप सभी भगवान विष्णु के अवतार माने जाने वाले श्री कृष्ण से जुड़ी बहुत सी कथाओं के बारे में जानते ही होंगे, परंतु आज मैं आपको इस लेख में भगवान कृष्ण की पूरी वंशावली के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसके बारे में सभी कृष्ण भक्तों को अवश्य ही जानना चाहिए। किस जाति के थे कृष्ण भगवान, किस गोत्र के थे कृष्ण भगवान, किस कास्ट के थे, इन सभी सवालों का उत्तर हमने इस पोस्ट में प्रमाण के साथ दिया है। इन सभी उत्तरों को जानने के लिए इस पोस्ट को पूरा पढ़ें। भगवान कृष्ण किस वंश के थे, ये जानने के लिए आपको पहले श्री कृष्ण की पूर्वज के बारे में जानना होगा। भगवान कृष्ण की पूर्वज कौन थे, ये जानते ही आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि भगवान कृष्ण के वंश क्या था और भगवान कृष्ण कौन से जाति के थे। श्री कृष्ण वासुदेव के पुत्र थे। श्री कृष्ण के पिता वासुदेव जी की जाति क्षत्रिय यदुवंशी और कुलचंद्रवंशी था।
यादवों के पूर्वज राजा यदु भी एक क्षत्रिय यदुवंशी थे। यदुवंशी अपने नाम के पीछे यादव लगाते हैं। इससे पता चलता है कि श्री कृष्ण भगवान की जाति क्षत्रिय यदुवंशी था। नीचे हमने भगवान श्री कृष्ण के पूरी वंशावली के बारे लिखा है, चाहे तो आप पूरा लेख पढ़ सकते हैं और भगवान कृष्ण की पूर्वज के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं तो इस लेख को अंत तक जरूर पढ़ें। पाठकों, विष्णु पुराण में इस बात का वर्णन किया गया है कि तीनों लोकों के पालनहार विष्णु जी की नाभि कमल से परम पिता ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई थी और सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा के मस्तिष्क से उत्पन्न हुए थे अत्रि। अत्रि ने भद्र से विवाह किया, उन दोनों से सौम यानी चंद्रमा की उत्पत्ति हुई और यहीं से सौम वंश अर्थात चंद्र वंश की शुरुआत हुई। युवावस्था में सौम की तरफ ऋषि बृहस्पति की पत्नी तारा आकर्षित हुई। दोनों ने मिलकर ऋषि बृहस्पति की अनुपस्थिति में बुध नामक बालक को जन्म दिया। भागवत के अनुसार सौम पुत्र ऋषि बुध भारत खंड आए। धरती पर सूर्यवंशी राजा मनु की पुत्री इला को बुध से प्रेम हो गया। दोनों के मिलन से पुरर्वा नामक पुत्र का जन्म हुआ। भारत में पुरर्वा चक्रवर्ती सम्राट हुए। उसके बाद राजा और स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी ने मिलकर आयु को जन्म दिया। राजा आयु चौथी चंद्रवंशी सम्राट थे। राजा आयु ने राजा सर्वभानु की पुत्री प्रभा से विवाह किया। इस विवाह से पांच पुत्र हुए जिनके नाम है नहुष, क्षत्रवर, ब्रह्म, रजी और अदेना। बाद में युवराज नहुष उस सिंहासन के उत्तराधिकारी बने। राजा नहुष ने व्रजा से विवाह किया और उनके छह पुत्र हुए। उनके नाम है यति, ययाति, समति, अयति, वियति और कीर्ति और एक रुचि को जन्म दिया जो कि एक नारी थी। बाद में राजकुमारी रुचि का विवाह चवन ऋषि और सुकन्या के पुत्र अपनवन से हुआ। राजा नहुष के ज्येष्ठ पुत्र यति धार्मिक प्रवृत्ति के थे। उनकी राजपाट में तनिक भी रुचि नहीं थी। उनके स्थान पर ययाति राजा हुए। महाराज ययाति ने दो विवाह किए। पहली पत्नी असुरों के गुरु शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी थी और ययाति की दूसरी पत्नी का नाम शर्मिष्ठा थी जो भ्रष्ट प्रवाह की कन्या थी। राजा ययाति की दोनों पत्नियों से कुल पांच महाप्रतापी पुत्र पैदा हुए जिनका वर्णन ऋग्वेद में भी मिलता है। उन्हें ऋग्वेद में पांचजन्य पुरुष कहा गया है। इसलिए यादव आधुनिक क्षेत्रीय नहीं बल्कि पौराणिक और वैदिक क्षत्रिय है। राजा ययाति की पहली पत्नी देवयानी से यदु और तुर्वसु पैदा हुए जबकि दूसरी पत्नी शर्मिष्ठा से ध्रुवयु, अनु और कुरु पैदा हुए। ययाति के इन पांचों पुत्रों से पांच महत्वपूर्ण वंश की उत्पत्ति हुई, जैसे ययाति की प्रथम पत्नी के प्रथम पुत्र यदु से यादव वंश तथा इनके दूसरे पुत्र तुर्वसु से यवन वंश बना। उसी प्रकार राजा ययाति की दूसरी पत्नी शर्मिष्ठा के तीनों पुत्रों से जैसे कि ध्रुवयु से भुजवंश, अनु से मलेच्छ वंश और कुरु से पौरव वंश बना। यदु से सहस्त्रजीत, कोष्ठा, नल और रिपु चार पुत्र हुए जिसमें कोष्ठा से 13 पुत्र हुए। कोष्ठा के 13वें पुत्र विदर्भ ने विदर्भ राज्य की स्थापना की थी। राजा विदर्भा के तीन पुत्र थे, कत, कौशिक, रोमपाल। विदर्भा सबसे बड़े पुत्र कत से 15 पुत्र जन्मे। कत के 15वें पुत्र भीमसत्वत से 7 महाप्रतापी पुत्र जन्मे। उनके नाम है भाजी, भजमान, दिव्य, देववृत, वृष्णि, अंधक और महाभोज। इन सातों पुत्रों में से वृष्णि और अंधक अति महान थे। वृष्णि के देवमोट और योध्याजीत नाम के दो पुत्र हुए। देवमोट की दो रानियां मनीषा और विश्वर्णा थी। देवमोट की पहली पत्नी मनीषा से शूरसेन हुए और शूरसेन की पत्नी मारिया से 10 पुत्र और 5 पुत्री पैदा हुई। इनके 10 पुत्रों में वासुदेव सबसे बड़े थे और 5 पुत्रियों में सबसे बड़ी प्रथा यानी की कुंती थी। जबकि देवमोट और विश्वर्णा से पारजन्य का जन्म हुआ और पारजन्य से 9 पुत्र हुए जिनमें नंद बाबा सबसे प्रमुख थे। वह भीमसत्व के पुत्र अंधक के वंश में देवकी और कंस का जन्म हुआ। ऊपर दिए गए तत्व से पता चलता है कि वासुदेव यदुवंशी थे। वासुदेव की दो पत्नियां थी, देवकी और रोहिणी। रोहिणी के गर्भ से बलराम का जन्म हुआ।
जबकि देवकी के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। उसके बाद श्री कृष्ण और रुक्मणी से प्रद्युम्न, प्रद्युम्न से अनिरुद्ध और अनिरुद्ध से वज्र पैदा हुआ। इससे पता चलता है कि भगवान श्री कृष्ण यदुवंशी थे। तो दोस्तों, आपको श्री कृष्ण से जुड़ी यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा इस लेख को शेयर करें। कृष्ण भगवान विष्णु के अष्टम अवतार थे और वासुदेव और माता देवकी जी की अष्टम संतान थे। जबकि कृष्ण भगवान के पालक पिता नंद बाबा और पालक माता माता यशोदा थी। भगवान कृष्ण को वृंदावन छोड़ना पड़ा क्योंकि उन्हें कंस का वध करना था और वे देवकी और वासुदेव के पुत्र थे। चूंकि उनका मकसद हर जगह धर्म का प्रसार करना था, इसलिए उन्हें वृंदावन छोड़ना पड़ा था। कृष्ण के वृंदावन से बाहर निकलने का समय आ गया था। कंस ने अक्रूर के माध्यम से कृष्ण को महल में आने का निमंत्रण भेजा था। अक्रूर मथुरा से एक रथ लाए थे। ये खबर कि कृष्ण जल्द ही वृंदावन छोड़ देंगे जंगल की आग की तरह फैल गई और वृंदावन की मिट्टी पर शोक का भारी बादल छा गया। सभी गोपियों और गोपियों ने अक्रूर द्वारा लाई गई रथ को घेर लिया और पूरी रात उसके चारों ओर नींद से गुजार दी ताकि कृष्ण न चले जाए और हमेशा उनके साथ रहने का चुनाव करें। हालांकि कृष्ण के दिव्य मिशन को और भी कई महान काम करने थे और इसलिए उन्हें बिना किसी विकल्प के उन्हें छोड़ना पड़ा। राधा को विदा कहने के लिए कृष्ण राधा के पास गए। राधा हमेशा हृदय से कृष्ण के प्रति समर्पित थी। दोनों मिले और बिना कुछ बोले बस कुछ मिनट ही गुजार दिए। वे एक दूसरे के दिल को जानते थे और एक दूसरे के लिए अपने प्यार को व्यक्त करने के लिए शब्दों का उपयोग का कोई मतलब नहीं था। राधा ने अंत में कहा कि चूंकि कृष्ण उनकी आत्मा बन गए हैं, कृष्ण को शारीरिक रूप से छोड़ने पर भी कोई भी उनसे दूर नहीं हो सकता है। फिर कृष्ण चतुराई से गोपों और गोपियों को भी मना लिया और बलराम के साथ अक्रूर के साथ मथुरा के लिए रवाना हो गए। महाभारत के युद्ध के बाद गांधारी अपने 100 पुत्रों की मृत्यु पर इतना दुखी हुई कि और कृष्ण को दोषी ठहराया। क्रोध में आकर गांधारी ने भगवान श्री कृष्ण को यादव वंश नष्ट होने का शाप दे दिया, साथ ही कृष्ण को एक शिकारी के हाथों मृत्यु के शाप दिया। कृष्ण मुस्कुराए और गांधारी का दिया हुआ श्राप स्वीकार किया। फिर भगवान कृष्ण ने द्वारिका पर 36 वर्षों तक राज किया था। दोस्तों, आज इस लेख में मैं आपको बताऊंगा कि भगवान कृष्ण का अंतिम संस्कार कैसे हुआ और कृष्ण की मृत्यु के बाद पांडवों ने क्या किया। तो एक सच्चे कृष्ण भक्त होने के नाते आपको ये, जब प्रद्युम्न, संभा और अनिरुद्ध की मृत्यु हुई तो कृष्ण जंगल के बाहरी इलाके में अपने बड़े भाई बलराम को देखने के लिए निकल पड़ा। बलराम योग में डूबे हुए थे और उनके मुख से एक विशाल नाग निकला। सर्प के 1000 सिर थे और वह पहाड़ जितना बड़ा था। कृष्ण ने सर्प को समुद्र की ओर जाते देखा। जब बलराम चले गए, कृष्ण जानते थे कि सब कुछ चला गया था। वह कुछ देर जंगल में भटकता रहा। कुछ समय बाद जारा ने गलती से कृष्ण को हिरण समझकर उनके पैर पर तीर चला दिया और जरा बेलिया के तीर से कृष्ण की मृत्यु हो गई। फिर उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। मृत्यु के समय कृष्ण की आयु 125 वर्ष था। कृष्ण के सभी यादव पुत्र मारे गए। सभी की सारी दिव्य शक्तियां चली गईं। केवल अर्जुन अभी भी सबसे लोकप्रिय सेनानी बचा था। कृष्ण ने अर्जुन से अपनी एड़ी पर लगे तीर को खींचने के लिए कहा ताकि वह शांति से मर सके। अर्जुन ने किया और अपनी सारी ऊर्जा कृष्ण के पास चला गया। कृष्ण मुस्कुराते हुए प्राण त्याग दिए। हस्तिनापुर वापस लौटते समय अर्जुन को अपने सिर पर वही धनुष रखना पड़ा जिसके साथ उसने कई युद्ध लड़े थे। अर्जुन की सारी दिव्य शक्ति चली गई और इतनी शक्ति भी नहीं थी कि अपने धनुष को फिर कभी बांध सके। पांडवों ने कृष्ण के शरीर को हिंदू रीति नीति अनुसार अंतिम संस्कार किया, लेकिन अग्नि के पास इतनी ऊर्जा नहीं थी कि कृष्ण के शरीर को जला सके, इसलिए उन्होंने इसे द्वारिका सागर में अर्पित कर दिया। कृष्ण के नश्वर संसार को छोड़ने के बाद जब अर्जुन द्वारका पहुंचे तो उन्होंने सभी महिलाओं को रोते हुए देखा।
अगले दिन कृष्ण के पिता वासुदेव की भी मृत्यु हो जाती है, जिससे अर्जुन को और दुख हुआ। जो लोग बचे थे वे सभी लोगों के साथ इंद्रप्रस्थ आए। द्वारका छोड़ते ही कृष्ण की मुरली को छोड़कर पूरा द्वारका समुद्र में डूब गया था। इसके बाद अर्जुन ने मथुरा में अनिरुद्ध के पुत्र ब्रज का राज्याभिषेक किया। जब युधिष्ठिर को ज्ञात हुआ तो उन्होंने परीक्षित को सिंहासन दिया और पांडवों और द्रौपदी के साथ हिमालय के लिए रवाना हो गए। कहा जाता है भगवान का ये शरीर भारत के पश्चिम से पूर्व में आया और पुरी के समुद्र तट लकड़ी के एक विशाल ब्लॉक में तब्दील हो गया। पुरी के राजा इंद्रियम को एक स्वप्न आया और उन्हें लकड़ी मिल गया। उसमें से भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की पहली तीन मूर्तियां बनाई गई। द्वारिका के पास गुजरात में सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के पास भालका तीर्थ स्थान है। कहा जाता है कि इसी स्थान पर शिकारी ने गलती से तीर चला दिया और भगवान कृष्ण अपने शरीर त्याग दिए और निजधाम प्रस्थान किया। बाण या तीर को भल्ला भी कहा जाता है, अतः इसलिए इस तीर्थ स्थल को भालका तीर्थ के नाम से जाना गया है। इसमें एक मंदिर है जिसमें कृष्ण की एक मूर्ति एक पेड़ के नीचे आधी नींद की